मानव नेत्र हुमेनाई, कुछ यहाँ पे हुमेनाई, हुमेनाई का स्ट्रक्चर समझे आप लोग क्या चीज है। तो उसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है, क्या लगा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो लगा होता है वो जिलेटिन नामक रासायनिक पदार्थ का होता है। उत्तल लेंस किस रासायनिक पदार्थ का होता है? जिलेटिन। जिलेटिन नामक रासायनिक पदार्थ का एक उत्तल लेंस में क्या होता है? लगा होता है। उत्तल लेंस के दोनों तरफ में एक मांसल रचना होती है जिसको सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशी। उत्तल लेंस के दोनों तरफ एक मांसल रचना होती है जिसको सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। बस ना, सिलियरी मांसपेशी जो है ना, जैसे जैसे ऊपर नीचे आता है लेंस पतला और मोटा होता है। अब कोई उत्तल लेंस यहाँ पे है और ऊपर में सिलियरी मांसपेशी इसको पकड़ी हुआ है, तो सिलियरी मांसपेशी ऊपर जाएगा तो लेंस क्या जाएगा? पतला हो जाएगा। सिलियरी मांसपेशी नीचे आएगा तो लेंस क्या जाएगा? मोटा हो जाएगा। अब हम इतना बात आप लोग को सिखाए कि पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, मोटे लेंस की। पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है तो लेंस की शक्ति क्या होती है? घट जाती है। नहीं सिखाए क्या? जी सर। लेंस की शक्ति क्या होती है? घट जाती है। और नीचे सिलियरी मांसपेशी आएगा तो उसका जो है मोटाई क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सिलियरी मांसपेशी के नीचे आने पर जब लेंस पर दबाव पड़ता है जिससे लेंस मोटा हो जाता है, लेंस क्या होता है? मोटा हो जाता है। अब मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है, जिससे उसका शक्ति क्या होता है? बढ़ जाता है। बस है ना, यहाँ पे गौर सीखिए। उत्तल लेंस को दोनों तरफ से एक मांसल रचना होती है जिसको सिलियरी मांसपेशी कहते हैं, और उसके आगे एक गोलाकार रचना होता है जिसको जो है ना रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। और रेटिना से लेकर रेटिना, सिलियरी मांसपेशी और उत्तल लेंस को मिलाने वाली रचना को हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। मिलाने वाली रचना क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको क्या कहते हुआ? नेत्र गोलक। क्या कहते हैं यहाँ पे? नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक, अब उत्तल नेत्र गोलक ये जो रचना है ये तीन भाग में बटा है। कितना बटा है? तीन भाग में। तीन भाग में बटा है ना, तो एक को कहते हैं कॉर्निया, एक को क्या कहते हैं? कॉर्निया। और कॉर्निया के भीतर वाले को कहते हैं आइरिस या पड़ितारिका। क्या कहते हैं? आइरिस या पड़ितारिका। और उसके अंदर वाले को कहते हैं क्या? सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया फंसा क्या है? उत्तल लेंस। और इसके ऊपर में होता है पलक। इसके ऊपर में क्या होता है? पलक। पलक उसके ऊपर में शटर होता है, नहीं जाता है। तो यहाँ पे शटर खुलेगा और शटर क्या होगा? बंद होगा। बस ना, यहाँ पे अगला यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे शटर जो है ना क्या होता है? पाया जाता है। और इसके अंदर जो है ना, अब ये में जो है ना किसी का जो है ना काला दिखता है तो किसी का भूरा दिखता है, नहीं देखते आप लोग? जी सर। किसी का आंख का रंग क्या होता है? काला होता है। और किसी की आंखों का रंग क्या होता है? भूरा होता है। तो यहाँ पे और यही से कोई व्यक्ति देखता है ना तो अंदर में पूरा का पूरा उसका जो है ना मुंह दिखाई पड़ते रहता है। क्या देखिएगा? किसी की आंख में जो है ना, देखिए तो आंख में देखिएगा तो आपका अपना चेहरा भी उसमें दिखाई पड़ते होता है। आपका अपना चेहरा नहीं, पूरा दुनिया उसमें दिखाई देता है। पूरा आंख में दुनिया दिखाई देता है। बस है ना, केवल अपना चेहरा दिखाई देने को, तो गौर से देखने पर आस पास के लोग भी दिखाई देते हैं और थोड़ा बहुत पीछे उछे का लोग भी जो निकाल दिखाई देता है। तो अपने चेहरा उसमें तो पानी भरा है। क्या भरा है? पानी। और नीचे नीचे लेंस लगा है, यहाँ पे पानी भरा है, नीचे लेंस लगा है। आप बीच में जो छिद्र है इसके माध्यम से इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता रहेगा। तो भाई पानी में या शीशा में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, पानी में या शीशा में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब बनने के कारण किसे बने? प्रतिबिंब बनने के कारण इसमें क्या होता है कि चेहरा अपना बनता हुआ प्रतीत होता है। तो लोग सा नहीं कहता है कि आंख के बौगा फूट जाते, नहीं कहता है जी, नहीं सुनते हैं कि आंख में जो ना बौगा है। आंख में क्या है? बौगा। ऐसे मान लीजिए किसी का जो ना आंख ऐसे यहाँ पे मार दिया तो आंख फूट जाएगा। तो ये सबसे पहले तो यही पानी निकलेगा ना जी, एक बार सीमत आकर ऐसे भोंकते 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 कॉस के भोंकती है तो हेनू से पानी लीकेज करने लगेगा। नहीं से पानी पूरा भोंकने लगेगा। बस है ना, तो ये दिक्कत है। यहाँ पे विट्रस ह्यूमर है। कौन ह्यूमर है? यहाँ पे विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे जो पानी उसको क्या? एक सीमर। लोग को आंसू निकलता है तो हई निकलता है, ऐसे आंसू निकल के आ रहा है, ऐसे घुस गया तो नमकीन लगता है। कैसे लगता है? नहीं लगता नमकीन, ऐसे यहाँ पे आ रहा है, ऐसे निकल जाते हैं, यहाँ पे नमकीन लगता है। बात है ना,
तो एकवस ह्यूमर पाया जाता है जिसको जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे भीत पाए इसको क्या कहते हैं? और यही कारण है कि प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब इसमें क्या होता है? बनता प्रतीत होता है। यहाँ पे रंग कोई विशेष होता है? प्रत्येक व्यक्ति का जो है ना आंखों का रंग अलग अलग होता है। आंख का रंग जो है ना मेलानिन पर निर्भर करता है। किसमें करता है? मेलानिन पर निर्भर करता है। बात समझे ना? मेलानिन की मात्रा पर जो है ना आंखों का रंग निर्भर करता है। मेलानिन की मात्रा होती है तो आंख का रंग काला होता है, और मेलानिन की मात्रा नहीं होता है तो आंख का रंग सफेद या भूरा हो जाता है। बात है ना? आंख में या हमारे शरीर में मेलानिन नामक रासायनिक पदार्थ की मात्रा होती है तो आंख का रंग क्या होता है? भूरा काला होता है। क्या होता है? काला होता है। त्वचा में मेलानिन हो गया तो पूरा त्वचा का रंग काला होगा। अब मेलानिन की मात्रा कम हो गया तो आदमी गोरा होता है। आदमी क्या होता है? गोरा होता है। ये जो स्किन है ना, स्किन के भीतरी लेयर पर मेलानिन पाया जाता है। अब मेलानिन की मात्रा जो है ना कम हो गया तो व्यक्ति गोरा होता है, और मेलानिन की मात्रा अधिक हो गया तो व्यक्ति क्या होता है? काला होता है। और आंख में मेलानिन की मात्रा अधिक है तो आंख का रंग क्या होगा? काला होगा। मेलानिन की मात्रा कम है तो क्या हो जाएगा? सफेद या भूरा हो जाएगा। सफेद देखा जाएगा, भूरा। फिर भी लोगों में ज्यादा मात्रा होता होगा किसमें? अब फिर भी लोगों में मेलानिन की मात्रा उसमें ज्यादा है। अब कितनों जो है ना हम लोग माने कि एरो प्लस बोरो प्लस लगा लेंगे तो वो ठीक होने का चीज है? नहीं ठीक होने का चीज। बस है ना। और कितनों स्किन लाइट लोग लगा लेता है तो स्किन लाइट से क्या होता है? ऊपरी लेयर को क्या करता है? साफ करता है। ऐसा तो नहीं कि परमानेंटली फिक्स हो गया कि गोरा हो गया आदमी, नहीं हो सकता है। वो मेलानिन की मात्रा कमी है, आप काला ही रहिएगा। और किसी मेलानिन की मात्रा की जो है ना मेलानिन की मात्रा का दिखता है तो काला ही रहेगा, कम है तो क्या रहेगा? गोरा रहेगा। आपके किसी भी रिम क्रीम ध्रीम लगाने से होने वाला नहीं है, वो किसी से कोई प्रभाव करने वाला उस पर नहीं है। बात सुनिए ना। इसलिए प्रकृति का जो दिया गया है वही रहता है, बदलने वाला कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि मतलब कि फिर हैंडसम लगा लीजिएगा ना तो तनिका ऊपर वाला लेयर क्या करता है? चिकना कर देता है। नहीं करता रंग बदल देता है स्किन का। जलवायु बदलने पर अगर क्लाइमेट चेंज करने पर, तो बायोलॉजी का ये टॉपिक है जहाँ पे सीखा जाता है कि कैसे जो है ना शरीर का रंग का प्रभाव कब बदलता है। जलवायु परिवर्तन पर, अनुवांशिकता का स्थान परिवर्तन पर, समझे ना, इन सभी कारणों से रंग क्या होता है? बदल जाता है। अब हम लोग गाँव में रहते हैं तो भाई सावला ना तो काला होंगे। बात समझे ना। गोरो आदमी जो है ना मुरझा जाता है। गोरो आदमी मुरझा जाता है, दिन भर धूप में लगाते हैं, एस नो में निकलता है, सब जो है ना बह जाता है, वास्तव में गबरा जाता है। अभी शहर में रहते हैं, पटना उटना में रहिएगा तो वहाँ पे तो पूरा एकदम चमकते रहता है लोग। बस समझे, तो बरकरार रहता है इसे। बस समझे। तो अब तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले लिखिए। मानो ने कहा दिक्कतें मारी है, पूछते हैं जल्दी बंद कर दो। ऐसा निकालिएगा।